सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है। अब दोस्तों, कई लोगों को नहीं पता होता है या फिर कई लोग डरते हैं कि अगर मैं अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करूंगा तो हमारे फ़ोन में जो कुछ भी है सब डिलीट हो जाएगा, चाहे फ़ोन नंबर हो, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, कोई गाना है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ भी डिलीट नहीं होगा, बल्कि अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है वो फास्ट हो जाएगा, हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, बहुत सारे नए फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको अपने फोन को जरूर अपडेट करना चाहिए। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे अपडेट करना है, काफी आसान है। बस इस वीडियो को 2 मिनट आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग यहां पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक, नाइस वीडियो, आसम वीडियो इस तरीके से लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों बाइक आना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फ़ोन को अपडेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों, आप जब सेटिंग में जाएंगे तो डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन किस फ़ोन का है। जैसे कि हमारे फ़ोन में ऊपर ही लिख के आ रहा सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना, और यहाँ पर जैसे रियलमी का फ़ोन है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन चेक करेगा, और यहाँ पर आप देखते हैं अपडेट अवेलेबल है, 942 MB का अपडेट है। अब दूसरे फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो मैं दूसरे फ़ोन में दिखा दूं, सेटिंग में जाता हूं और यहां पर मैं आप सिस्टम सेटिंग में जाऊंगा तो यहां पर सिस्टम अपडेट के नाम से सेटिंग है। तो कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर अपडेट या सिस्टम अपडेट के नाम सेटिंग होगी, सेम ही है। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कितने MB का अपडेट आया हुआ है और आपको फिर उसे क्या क्या फ़ीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं वो फ़ीचर्स आप पढ़ सकते हैं, जो जो नए फ़ीचर आपको इम्प्रूव, फ़ोटो, वीडियो रिलेटेड, परमिशन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे फ़ीचर्स नए मिलेंगे। तो इसे आपको फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, ये जो है आपका डाउनलोड होने लगेगा। अब देखिए, 942 MB का है। अब डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन की इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट है। हमारे फ़ोन में काफ़ी फास्ट इंटरनेट चल रहा है, लगभग 30-40 MB पर सेकंड की दर से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी 500 MB जो है 50% से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो ये दोस्तों आपका फ़ौरन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका नेट स्लो होगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, सिंपली ये 100% जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये एक्सट्रैक्टिंग होगा, तो इसे आपको एक्सट्रैक्टिंग हो जाने देना है, यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर ये 100% जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई भी बटन वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं करना है, यहाँ पर आप को अपनी स्क्रीन ऑन करना है, फिर वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पर आपको इसे वेरीफाई हो जाना, काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने आप वेरीफाई होने देता है, क्योंकि सारा प्रोसेस होता है। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अपडेटिंग द सिस्टम विल नॉट डिलेट और मॉडिफाई योर डाटा। मतलब साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपने सिस्टम को जो है अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को, फ़ोन को, तो आपका कोई भी डाटा जो है वो इरेज या डिलेट नहीं होता है। तो आपके मन में अगर ये डाउट है कि हमारा कुछ भी डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर 54% जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर 100% इसे हो जाने देना है आपको। मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी वीडियो कट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 68, 73, 75 इस तरीके से अभी 100% कुछ ही सेकंड के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अभी 100% दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका। अब देखिए, आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। अब आप जैसे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ओके। अब इंस्टॉल नाउ पर मैंने क्लिक किया, वेरीफाई करेगा एक बार फिर से, हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कितनी देर में ऑन होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना बड़ा अपडेट होगा आपका फ़ोन उतनी ही देर में ऑन होगा। जैसे कि हमारा 900 से ज़्यादा MB का अपडेट था, तो मतलब अब 10-15 मिनट हमारे फ़ोन को ऑन होने में लगेंगे। हालाँकि लिख के तो आ गया है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा अपडेट होने में। तो आपको कोई बटन नहीं प्रेस करना, कुछ नहीं करना है। बहुत लोग डर जाते हैं कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, ऑन क्यों नहीं हो गया। अपने आप जैसे अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, और फिर आपका
आपका फ़ोन बिल्कुल फास्ट स्मूथली चलेगा, वर्क करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस दोस्तों, अब यहाँ पर आपका सारा काम हो चुका, अब अपने आप आपका फ़ोन अपडेट होता रहेगा। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यही था इस वीडियो में, आई होप आप अपने फ़ोन को अपडेट करना सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।